मित्रों, भाजपा की अयोध्या में करारी हार के बाद पूरे देश से भाजपा समर्थकों का एक ही स्वर आ रहा है कि अयोध्यावासी गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, रामद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। और कुछ समर्थक ये भी अपील कर रहे हैं कि जब अयोध्या घूमने जाओ तो घर से खाना बनाकर ले जाओ, वहाँ कुछ मत खाओ पियो, जिससे कि वहाँ के गद्दार लोगों को सबक सिखाया जा सके। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने तो ये तक कह डाला कि त्रेता युग में अयोध्या वासियों ने स्वयं भगवान राम का भी साथ नहीं दिया था। इसके लिए वो एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जरा देखिए इस वीडियो को। तुम इस जनता को नहीं जानते, जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है, परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है। लोगों की बातें यदि राजा को सुननी पड़े तो वो न्याय ही नहीं कर सकता, ऐसा राजा तो पागल हो जाएगा। मित्रों, उनका तर्क है कि जो राम को लाए हैं अयोध्या वासियों को, उनको वोट देना चाहिए था, क्योंकि जो राम का नहीं वो उनके किसी काम का नहीं। राम के नाम पर वोट मांगना भाजपा की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा था, यानी स्वयं भगवान राम को भाजपा ने काम पर लगा दिया था और भगवान राम से भी मंदिर के बदले जीत मांगी थी। लेकिन भगवान राम भी नियतों के नतीजे निकाल लेते हैं। उन्होंने भाजपा को जीत तो दिलवाई, लेकिन साथ ही ये आईना भी दिखा दिया कि वो उनसे अच्छे खासे नाराज हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और राम में बुनियादी फर्क यही है कि भगवान राम राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीति से वो कोसों दूर हैं। मित्रों, अयोध्यावासी शासन प्रशासन से बहुत नाराज थे, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए विकास के नाम पर न केवल उनके जबरदस्ती घर तोड़े गए बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया। आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जिससे कि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके। हमारा 85 साल को घर है, हैं? अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने ले, इतना जनता ले नहीं बनवाए हैं कि हम सब को टिकाएंगे, और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, जन बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। हम बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। दुख की चीज का है, जब राम का मंदिर बन रहा है तो हमारा भी चला गया, तो कोई तकलीफ हमको नहीं। ये जो रोड देख रहे हैं 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, तो शुरू से यहाँ पर जो है परिक्रमा चल रहा था, तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि यहाँ पर रोड छोटी है तो यात्री लोग ज़्यादा आएंगे। राम जी का मंदिर बन गया है, 22 जनवरी को मोदी जी आ रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो यात्री ज़्यादा आएंगे, इसीलिए रोड की चौड़ीकरण की तो बात तो सही है कि चौड़ीकरण होना चाहिए। तो जैसे कि पता चला था कि इधर से ये परिक्रमा जाएगा, जो राम जी की परिक्रमा होती है 14 कोसी 5 कोसी, तो इसीलिए रोड चौड़ा किया गया था। तो अभी कुछ दिन से पता चल रहा है कि पीछे से जाएगी, तो यहाँ पर मकानें टूटी हैं, लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं मिला है जो मुआवजा मिलना चाहिए था। एक मंदिर टूटने वाली है, करें अपने हाथ से टूटे, अपने हाथ से नहीं टूटेगी। यहाँ हमारा चक्रतीर्थ महादेव का मंदिर था, यहाँ शिवाला था, मंदिर बनाया गया था, ये बाउंड्री थी और ये सब टूट गए, गेट निकलवा के बाहर करा दिया। मंदिर लेके कहाँ जाएंगे जब जमीन कहीं नहीं है, तो जब जो चीज मेरे पास है वहीं पर विराजमान कर दिया हूँ, जो जगह थी। मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले ले रहे, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे। उनको मंदिर बनवा रहे तो जनता के दर्शन करने के लिए बनवा ले हैं, जनता का सब उन्हें उछिंद नहीं करना चाहते, तो जनता लोग को उछिंद कर रहे हैं। वहाँ देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये जनता की ही चुन करके उनको राजा बनाया, तो राजा का काम है प्रजा का रक्षा करना। राम के राज्य में राम जी राजा थे, तो राम जो है भेष बदल करके जनता के दरबार में जा करके देखते थे कि हमारा जनता सुखी है कि दुखी है, हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा, तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है। मोदी सरकार कोई गलत नहीं किया भैया, करें तो कोई जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकता रहा, मोदी सरकार ने मंदिर बनवाया, झूठ नहीं किसी को।
मित्रों, राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण को हरा दिया। भगवान श्री राम ने लंका का राज विभीषण के हाथों सौंपकर अयोध्या वापस आने का निर्णय लिया। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं हुए, उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हमने अपने पराक्रम से रावण पर विजय प्राप्त की है, लंका में स्वर्गीय सुख है, लंका स्वर्णमयी है, अयोध्या में क्या रखा है, हम अयोध्या वापस क्यों जाएं? हम लंका में ही रहेंगे। उस समय भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी भगवान राम ये मानते थे कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, और कुछ अंधभक्तों का ऐसी नगरी और उसमें निवास करने वालों के बारे ये मूल्यांकन निश्चित ही विक्षिप्तता की पराकाष्ठा है। मित्रों, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अधिकार है, और किसको वोट देना है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वविवेक है उसका कि वो किसे वोट दे। केवल भाजपा को वोट नहीं दिया, इसलिए पूरे अयोध्या वासियों को ही गद्दार और देशद्रोही कहकर ट्रोल किया जाए ये सर्वथा गलत है। मित्रों, ये जो देशभक्त गद्दार देशद्रोही का सर्टिफिकेट देना ही भाजपा को भारी पड़ गया, इसलिए मेरी सलाह है कि इस तरह गद्दार या राष्ट्रद्रोही होने का सर्टिफिकेट अयोध्या वासियों को नहीं दिया जाए, बल्कि अपनी गलतियों का विश्लेषण किया जाए, आत्मचिंतन किया जाए, कहां कमी रह गई उसे पूरा करने का प्रयास कम से कम अगले 2 साल में किया जाए, ताकि विधानसभा में योगी पूर्ण बहुमत से दोबारा चुनकर आ सकें। मित्रों, कहते हैं कि जो पुण्य पुण्य कह रहे उन्हें बकने दो, जो सदियां थक चुकी उन्हें थकने दो, पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमाकर, सौभाग्यमान गौरव अभिमान गंवाकर, वो शीत पिए तुम आतप घाम पियो रे, वो जपें राम तुम बनकर राम जियो रे। यानी राम राम रटने की बजाय अगर उनके जीवन का एक गुण भी हम अपने अंदर उतार सकें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि राम वो हैं जो बड़ों की आज्ञा मानते हैं, राम वो हैं जो पिता के एक वचन पर सर्वस्व त्याग कर वनवासी हो जाते हैं, राम वो हैं जो रावण का भी सम्मान करते हैं, राम वो हैं जो नारी की रक्षा के लिए दुनिया की तत्कालीन सबसे बड़ी शक्ति से भिड़ जाते हैं, राम वो हैं जो सुदूर हाशिए पर पड़े वनवासियों मल्लाहों रीछ गिद्ध वानर भालू सबको साथ लेकर चलते हैं, राम वो हैं जो सबका साथ और सबके विश्वास में यकीन रखते हैं। मित्रों, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था अब उसे सब कुछ त्यागना था, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो, स्वयं को धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी। राम की चिंता यही थी, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। मित्रों, वर्तमान में न तो किसी नेता में राम जैसी मर्यादा देखने को मिलती है, न राम जैसा धैर्य, न संयम। ऐसे नेता लोकतंत्र में राम राज्य की स्थापना कैसे करेंगे। मैं फिर भी भाजपा की आईटी सेल वालों से कहूंगा कि मर्यादा से लड़िए, भाषाई संयम बरतिए, अभी बहुत आगे का रास्ता तय करना है। केवल हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या कभी सोशल मीडिया पर मुसलमान एकता की बात करते हैं, लेकिन वो अंदर से एक हैं। उनसे कुछ सीखिए, और उनसे नहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से सीखिए, जो बड़ी ही शांति से हिंदुत्व को मजबूत करने में लगे हैं। कहीं ट्विटर या व्हाट्सएप पर उनको हल्ला मचाते हुए सुना है क्या? खैर मित्रों, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।